वेलकम बैक टू द चैनल। आज है थर्सडे और फर्स्ट मॉर्निंग मेरे नींद खुलने के बाद किचन की तरफ मैं आ रही थी और आते टाइम देखो मैंने देखा संदीपन किचन में कुछ काम कर रहा है। सो चलो देखते हैं वो क्या कर रहा है। आज का खाना संदीपन ही सुबह सुबह उठ के बना रहा है। एक साइड राइस चढ़ा दिया और एक साइड कुछ स्पेशल सब्जी वो प्रेशर कुकर में कुक कर रहा है। क्या कर रहा है वो थोड़ी देर में बाद में दिखाती हूँ। और चलो मैं अभी बाहर चलते हैं। सुबह सुबह तो मौका ही नहीं मिलता बाहर आने का और इस टाइम ना इतना ज़्यादा शांत रहता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चिड़िया और गिलहरी ये सब का आवाज़ आते रहते हैं और पौधे को मतलब पेड़ पौधे का चेहरा देखो तो बिल्कुल नया लगता है। और इस टाइम ना चिड़िया बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, पूरा दिन ही आते रहते हैं पर इस टाइम बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखो चिड़िया पानी पी रहा है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है ना। और इस टाइम ना क्या बोलूँ, बाहर आके बैठने का मन करता है पर मौका ही नहीं मिलता है। और मेरे गार्डन पे अभी खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर भी है ये देखो। और इसमें ना सनराइज आके पड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा और भी खूबसूरत लग रहा है। और क्या बोलूँ, बहुत पर खुशबूदार सब्जी बनाने लग पड़ रहे हैं। और ये देखो ये सब्जी बना रहे हैं, ये देखने में तो नॉनवेज की तरह लग रहा है पर ये टोटली वेज है। और यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कैसे बनाना है कैसे नहीं। और ये ना किसी को देख के मतलब खाए हुए थे संदीपन पहले, देख के लाया है। देखो इसको देख के ही लग रहा है ना नॉन वेज पर ये टोटली वेज है। सोयाबीन की तरह ही कुछ चीज़ है पर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। और फिर से देखो मैं संदीपन खाना बना रहा है, मैं फिर से बाहर आ गई हूँ। और यहाँ पे देखो और भी चिड़िया मतलब एक एक करके आ रहा है और पानी पी के जा रहा है, नहा के जा रहा है, पानी भी पी रहा है नहा भी रहा है। संदीपन का खाना बनाना हो क्या, वो आज का पूजा भी वही कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, वो उसको मैं खाना सर्व करूँगी। तो ये सब्ज़ी बन के यहाँ पर रेडी है, मैं उसको खाना सर्व कर दे रही हूँ। ऑलरेडी थोड़ा बहुत लेट भी हो चुका है, उसको ऑफिस निकलना है वो इसीलिए। और जल्दबाजी में मतलब और भी कुछ नहीं बना पाई, यही वो जो बना पाया वही है। ये टेस्टी बहुत ही टेस्टी वाला बना है, उसको ऑफिस वो निकल जाने के बाद मैं भी और मतलब वेट नहीं कर पाई थी, मैं भी आके खाना खाने बैठ गई थी। मुझे भी मतलब सब्जी देख के भूख लग रही थी इसीलिए मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने। हे गाइस, मैंने स्नान कर लिया और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैंने अभी जाके धूप पे बैठूंगी थोड़ी देर। हे गाइस, बहुत देर हो गया, आप लोगों के साथ मिला ही नहीं। मैंने बाहर धूप पे बैठी थी और उस टाइम मिली थी पर अभी शाम हो चुका है। मैं अभी टीवी देख रही हूँ, कुछ खा रही हूँ बैठ के। और क्या खा रही हूँ, ये खा रही हूँ गाजर का हलवा खा रही हूँ अभी। और मीठा तो मेरा हर टाइम ही बहुत पसंद है, आज मैं सुबह से ही मीठा खाने का मन हो रहा था पर कंट्रोल किया था अपने आप को, पर अभी और नहीं हो पाया, मैं लेके बैठ गई हूँ। गाइस चलिए अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी वॉक करने, वॉकिंग पे निकलना होगा। सो चलिए इसको फिनिश करूँगी टीवी देख के, थोड़ी देर बाद ही मैं वॉक पे चलते, तब मिलते हैं। चलिए कल जो रोड पे मैंने आई थी ना वो रोड पे फिर आज मैं आई हूँ, अकेले ही घूम रही हूँ आसपास।
कोई नहीं है। तो चलो, बहुत अच्छा लग रहा है इवनिंग टाइम। आसपास बच्चे पार्क में खेल रहा है, बस रोड पे एक दो जने ही हैं, बाकी कोई नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज देख पा रहे हो पीछे, अभी कितना तेज है, पर 5:30 ऑलरेडी बज चुका है टाइम। इसी रोड पे ना बहुत लोग वॉकिंग करते हैं शाम के टाइम, जब मैं शॉप पे आती थी देखती थी, पर अभी इस टाइम इसीलिए नहीं है, मतलब थोड़ी धूप चले जाने के बाद सब आते हैं, पर इस टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धूप रह रहा है ना थोड़ा बहुत, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कोई है भी नहीं, ऐसा टेंशन भी नहीं है, बिना मास्क के अब घूम सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। कल भी आई थी इस टाइम कोई नहीं था, पर पार्क में बच्चे खेल रहा था, पर रोड पे कोई नहीं था। और सच में बहुत अच्छा है, गाड़ी भी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना घर बहुत कम बने हुए हैं। जो भी है बहुत अच्छा है, पर बहुत कम है, इसीलिए मैं अब तो रोज़ आऊँगी, अकेले अच्छा लग रहा है। ये ना पीछे किसी का घर है, पर कैसा बोलूँ आपको, जैसे रिजॉर्ट टाइप का बने हुए है घर के, मतलब अंदर इतना अच्छा गार्डनिंग किया हुआ है, जैसे रिजॉर्ट में मिलता है ना वैसा ही है। यहाँ पे दो बने हुए हैं, मैं कल ही आके पहली बार देखी हूँ, इसके पहले ना पता ही नहीं था ऐसे भी यहाँ पर भी ऐसा घर है लोगों का। बहुत अच्छा लगा। बाहर तो 1.25 घंटा मैंने वॉक करके आ रही हूँ, और अभी छत पे, बहुत दिन मैंने छत पे गया ही नहीं, मतलब छत से नीचे कैसे दिखते हैं मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए आज छत पे भी 1/2 घंटा वॉक करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कंटिन्यू मैंने 1.25 घंटा वेस्ट नहीं किया, कंटिन्यू मैंने वॉकिंग किया, इसलिए अभी गर्मी हो रहा है, स्वेटर भी पहनी हूँ ना। सो पीछे देखो, शायद देख पा रहे हो दूर, कबूतर बहुत पहले मैं दिखाई थी ना, कबूतर इस टाइम घर जाते हैं, तो अभी घर जा रहा है। छत पे कॉफ़ी नहीं पी हूँ, इसीलिए बैठी थी, फिर प्यास लगी थी, नीचे चली गई थी, फिर सोचा चलो थोड़ा सा कॉफ़ी बना कर ले कर चलते हैं छत पर। बहुत दिन हुआ ही नहीं कॉफ़ी पीना छत पे बैठ के, तो नीचे लाइट भी जला के आई हूँ और कॉफ़ी बना के लाई हूँ। और यहाँ पे एक मून भी निकला है, ऐसा मून को क्या बोलते हैं पता है, शायद देख पा रहे हो, अभी भी रोशनी है, सूरज का रोशनी तो है, और यहाँ पे चांद निकला है एक। हमारे बंगाली में ऐसा चांद को बोलते हैं कुमरोर फालीर मुँह, तो देखते कुमरो फाली, मतलब कद्दू के जो पीसेस बनता है, जैसे बनता है ना वैसा, यहाँ पे एक निकला है, गौर से देखो गौर से। मेरे उंगली के ये रहा, बस अभी उंगली मेरा बराबर है, देखो ये। सो आप लोगों को मैंने चांद दिखा दिया। और यहाँ पे दो कबूतर चला गया उड़ के। चलो मेरा कॉफ़ी मैं पीती हूँ, बहुत देर हो गया, मैं छत पे थी और अभी नीचे आ रही हूँ, संदीपन भी आ चुका है। आज इतना ज़्यादा ना ठंड तो है नहीं, मतलब एक स्वेटर ये भी मतलब ना पहनूं तो चलेगा, और वो अभी टीवी देख रहा है, डिस्कवरी चैनल है ना, क्या देख रहे हो, अच्छा सोनी बीबीसी देख रहा है, ठीक है। और अभी ना क्या एक चीज़ खजाना संदीपन लेके आया है वो देखूंगी, और रात पे ना आज कुछ खाना बनाना नहीं पड़ेगा, आज वो एक इनवाइट पे गया था, वहाँ से खा के आया है, मतलब दोपहर पे खाया है, बहुत ज़्यादा खा लिया शायद,
और मैं भी ना वो जो टिफिन भेजी थी वो पूरा ही वापस आया है, वो खा लूंगी। और मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सामान लाया गया। ये रहा मिठाई का डब्बा, इसमें क्या है मुझे नहीं पता। मैं तो दो तीन आइटम के मतलब बोला था, पर उसमें कौन क्या है, इसमें क्या है? हाँ अच्छा, इसमें क्या है मैं खोल के देख रही हूँ। अच्छा, जो मैंने बोला था वो नहीं मिला। ये क्या है मुझे नहीं पता, रसगुल्ला का ही कुछ आइटम है, मैं नहीं जानती हूँ ये क्या है। कोमला भुगना केटा। अच्छा, ये बिल्कुल फ्रेश बना था, पर मेरे रिक्वायरमेंट था मूंग दाल का हलवा, पर वो नहीं मिला, ये ही दिया। ठीक है, चल जाएगा मेरा सब कुछ, मतलब स्वीट्स मुझे जो भी है चलेगा। पर यहाँ पे ना सर्दी का स्पेशल होता है मूंग दाल का हलवा, मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए इस बार ना एक बार भी मुझे नहीं मिला खाने के लिए, इसलिए मैंने बोला था लाने के लिए, पर नेक्स्ट टाइम होगा किसी टाइम। और गाइस चलिए, ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करने वाली हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ और कुछ काम नहीं है। मैं छत पे जाके वॉक कर रही थी बाहर से आने के बाद, अभी भी मुझे आज छत बहुत पसंद आ गया। वहाँ पे मैं बैठूंगी जाके, टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगी, ये यहाँ पे ही देख रहा है। ठीक है, और चलो ये वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाबा दोस्तों, सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना। ओके, और मेरे चैनल पर अभी किसी नया फ्रेंड आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ही कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, टाटा, गुड नाइट एंड बाय।